साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार सिन्हा, विकलांग साथी ट्रस्ट जनपद सीतापुर का जिलाध्यक्ष, आज आपसे मध्य रात्रि में रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त रात के लगभग 1 बजे हैं और अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से आज हम समय निकाल के अब आपके पास आ रहे हैं। सबसे पहले आपको इस बात की मुबारकबाद देने के लिए कि आज एक दिली खुशी इस बात की हुई कि झारखंड से एक वंदना देवांगन नाम की एक दिव्यांग महिला ने अपना एक बहुत छोटा सा बधाई संदेश वीडियो के माध्यम से दिव्यांगम चैनल को भेजा। साथियों, ये इस बात का प्रतीक है कि आपका अपना ये लोकप्रिय चैनल, जिसके 37,000 से ज़्यादा व्यूअर्स हो चुके हैं और लगभग 1100 से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, ये आप सबकी मेहनत का एक प्रतिफल है कि ये दिव्यांगम चैनल पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके लोकप्रिय हो रहा है। साथियों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी के सार को समझना आपका काम। एक राजा था, उसके यहाँ सारी संपन्नता थी, सभी प्रकार के उसको वैभव प्राप्त थे, परंतु उसे कोई संतान ना थी। ईश्वर की माया हुई और उसके राजमहल में एक युवराज ने जन्म लिया। राजा को ये एक ऐसी खुशी मिली कि जिसको वो अपनी जनता के साथ बांटना चाहता, और राजा ने इस युवराज के जन्म पर जनता के लिए अपने राजमहल खोल दिए और इस बात का ऐलान किया कि हमारी जो प्रजा है वो राजमहल की जिस वस्तु को छुएगी वो वस्तु उस प्रजा की हो जाएगी। लोग आते गए, किसी ने महारानी का जेवर छुआ, किसी ने महारानी के कपड़े छुए, किसी ने महाराज के मुकुट को छुआ, किसी ने माणिक्य छुए, किसी ने बहुत सारे सोने चांदी के बर्तन छुए। इतने में एक छोटा सा बालक जो 10-12 साल की अवस्था का होगा, वो भीड़ चीरता हुआ आया और उसने आकर के सीधे राजा को छुआ, राजा से लिपट गया आगे। सब लोग इस बात पर बड़ा हैरान कि ये गंदा सा बच्चा, जिसके शरीर पर केवल मिट्टी ही मिट्टी लगभग लगी हुई है, ऐसे व्यक्ति ने राजा के पास पहुंचकर राजा को छूकर राजा को न केवल गंदा किया बल्कि राजा के संक्रमित होने का भी भय बढ़ गया। खैर, राजवैद्य बुलाए गए, राजवैद्य ने राजा को कीटाणु मुक्त किया और उसके बाद उस बच्चे को बुलाया गया। उस बच्चे ने कहा, तुमसे कहा गया कि तुमने ये क्या किया, तुमने महाराज को छू लिया, उनको गंदा कर दिया, जानते हो तुम्हें इसकी सज़ा क्या मिलेगी। बच्चे ने बहुत मासूमियत के साथ उत्तर दिया कि देखिए, महाराज का ये आदेश था, महाराज ने ऐसा फरमान जारी किया कि जो व्यक्ति आकर के राजमहल की जिस वस्तु को छुएगा वो वस्तु उस व्यक्ति की हो जाएगी। कोई माणिक्य छू रहा था, कोई आभूषण छू रहा था, कोई कीमती वस्त्र पर हाथ रख रहा था, किसी ने खजाने की तिजोरी मांगने का प्रयास किया, तो मैंने महाराज को ही छू लिया। महाराज को छूने से इस प्रजा के द्वारा जितनी भी संपत्ति पर अधिकार जताया जा रहा था वो सब चूँकि राजा की है और राजा मेरा है, लिहाजा ये सारी संपत्ति आज से हमारी हुई। आप सही जगह जा रहे हैं। इस कथा के सार को समझने का
जो कहने का मेरा मतलब था उस पॉइंट को आप पकड़ रहे हैं, और उसका सार ये है कि जो आज के युग में हम लोग भौतिकतावादी हो रहे हैं, हम विलासतापूर्ण वस्तुओं को खरीदने के प्रयास में आत्मिक शांति खो रहे हैं। किसी को कार चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को अपना स्टेटस और अधिक ऊंचा करना है, हर आदमी इसमें परेशान है। और इस परेशानी के दौर में वो उस परमपिता ईश्वर को, परमपिता परमात्मा को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मज़हब का हो, उसको भूलता जा रहा है। ये सारी भी भौतिकवादी वस्तुएं उसी परमपिता परमात्मा की देन है और उन्हीं के द्वारा संचालित है। हम कार तो पा रहे हैं, लेकिन कार किसके सहारे चल रही है हम उसको पाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हमें यह आत्मबोध हो जाएगा कि उस परम शक्ति से ही हम संचालित हैं, हमारी सृष्टि संचालित है, ये दुनिया में जो व्यक्ति कुछ भी कर रहे हैं वो उस परमपिता परमात्मा की देन है, हम जिस दिन उस परमपिता परमात्मा को पा जाएंगे उस दिन हम सही मायने में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। इसलिए साथियों, अपने लक्ष्य को पहचाने, हम यहाँ क्या करने आए थे और आज हम क्या करने लगे हैं। जिस दिन हम अपने जीवन के सार को पहचान लेंगे, समझ लेंगे, उस दिन हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसी बात के साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारा एक एक व्यूअर्स, हमारे एक एक सब्सक्राइबर, जो लोग इस दिव्यांगम चैनल को प्रसिद्धि और लोकप्रियता के शिखर पर ले जाने का प्रयास मेरे करने पर उसमें अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ऐसे सभी साथी जिस दिन अपने मूल लक्ष्य को समझने में सफल हो गए, उस दिन हमारा और आपका, इस पूरी दुनिया का, समझ लीजिए कि कल्याण निश्चित है। हम लोग सब लोग उस परमपिता परमेश्वर को पहचाने, उसकी ताकत को पहचाने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवीण कुमार सिन्हा आपसे विदा लेने से पहले एक आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे वॉच टाइम को बढ़ाइए, वॉच टाइम हमारा अभी भी बहुत कम है। आप सब लोग न केवल प्रवीण सिन्हा के कार्यक्रम को, बल्कि जो भी वक्ता आ रहे हैं आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, उनके प्रत्येक एपिसोड को देखें, पूरा देखें और अपने दोस्तों तक उसको शेयर करें। धन्यवाद।